हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीतिमन। तो हम लोग कर रहे हैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की राजस्थान का इतिहास और संस्कृति क्लास 10th। तो हमारा ये फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है, काफी बड़ा है, लेकिन जितने भी आपके राजपूत शासक जो हैं वो आपके फर्स्ट चैप्टर में कंप्लीट हो जाते हैं, इसीलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो आप लोगों ने लास्ट वीडियो बहुत अच्छे से देखा है, तो चलिए उसमें से एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, ध्यान से सुनना है। किस ग्रंथ में गोविंद तृतीय की उपाधि वैरीघट मिलती है? किस ग्रंथ में गोविंद तृतीय की उपाधि वैरीघट मिलती है? वैरीघट का अर्थ होता है शत्रु का संहारक, ठीक है? तो दोबारा से सुनिए, किस ग्रंथ में गोविंद तृतीय की उपाधि वैरीघट मिलती है? तो इसका आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आमेर के कछवाहा वंश एवं इस वंश के प्रतापी शासक। कछवाहा अपनी उत्पत्ति राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश से मानते हैं। तो कछवाहों की जो उत्पत्ति है वो कहां से मानी जाती है? वो मानी जाती है राम के बड़े बेटे कुश, ठीक है? लव छोटे थे और छोटे बड़े कौन थे? कुश। तो वहां से मानी जाती है। सूर्यमल मिश्रण के अनुसार कूर्म नामक रघुवंशी शासक की संतति होने से ये कूर्म वंशीय कहलाने लगी। साधारण भाषा में उन्हें कछवाहा कहा जाने लगा। ढूंढाड़ प्रदेश में अपना राज्य स्थापित करने के लिए कछवाहों को मीणाओं तथा बड़ गुजरों से संघर्ष करना पड़ा। इनकी प्रथम राजधानी दौसा रही। तो आमेर के जो कछवाहा वंश थे उन्होंने अपनी प्रथम राजधानी जो है वो किसे बनाई थी? दौसा को बनाई थी। कछवाहा प्रारंभ में चौहानों के सामंत थे। 1137 ईस्वी में दूल्हे राय ने बड़ गुर्जरों को परास्त करके ढूंढाड़ में नवीन राज्य स्थापित किया। दूल्हे राय ने ही जमुआ रामगढ़ में मीणाओं को परास्त कर उसे अपनी राजधानी बनाया। तो ये लाइन जो है वो इम्पोर्टेंट है कि 1137 ईस्वी में दूल्हे राय ने बड़ गुर्जरों को पराजित करके ढूंढाड़ में ही राज्य स्थापित किया और जमुआ रामगढ़ में मीणाओं को परास्त करके उसे अपनी राजधानी बनाया। 1207 ईस्वी में कोकिल देव ने आमेर में मीणाओं को परास्त कर उसे अपनी राजधानी बनाया। चलिए, तो कछवाहा जो है वो अपनी उत्पत्ति किससे मानते हैं? वो उत्पत्ति मानते हैं राम के बड़े बेटे कुश से मानते हैं। भारमल का समय है 1547 से 1573। भारमल बहुत ही कठिन परिस्थितियों में आमेर के शासक बने थे। अपनी सत्ता के लिए उसे मजबूत सहारे की आवश्यकता थी और यह मजबूत सहारा उसे किसने दिया? अकबर ने दिया। भारमल मुगल अधीनता स्वीकार करने वाले पहले राजपूत राजा थे। तो इम्पोर्टेंट लाइन है बहुत ज्यादा कि ऐसे कौन से राजपूत शासक जिन्होंने अकबर की अधीनता सबसे पहले स्वीकार की थी? वो थे राजा भारमल। अकबर जनवरी 1562 में अजमेर की यात्रा पर आया था। अजमेर से लौटते समय सांबर में भारमल ने ही 1562 ईस्वी में अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह जो है वह अकबर के साथ कर दिया था। जहांगीर इसी हरकाबाई का पुत्र था। 1562 ईस्वी में सांबर में ही अपने पुत्र भगवान दास और पोत्र मानसिंह सहित इसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अब ये पूरा ही पैराग्राफ इम्पोर्टेंट है जिसमें याद रखना है कि भारमल जो थे वो सबसे पहले राजपूत थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की। उसके बाद भारमल के बेटे भगवान दास ने, भगवान दास के बेटे मानसिंह ने। क्रम से ही याद रखना है, भारमल, भगवान दास और मानसिंह, ठीक है? तो ये भारमल का जो पोत्र था वो कौन हुआ? मानसिंह हुआ, ठीक है? सबसे पहले अधीनता जो है वो स्वीकार करने वाले थे भारमल, जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की। उसके बाद 1562 ईस्वी में भगवान दास ने और पोत्र मानसिंह ने, इन्होंने भी अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। ये एक तो लाइन हुई जिसको आपको एक साथ लिखना है, याद रह सकेगा। और 1562 ईस्वी में अजमेर की यात्रा पर अकबर आया था और इसी यात्रा के समय सांबर में भारमल ने 1562 में हरकाबाई का विवाह जो है वह कर दिया था किससे? अकबर से। और अब देखिए, क्रम से याद रखिए, भारमल पहले शासक थे, अकबर ने भारमल की बेटी हरकाबाई से विवाह किया। भारमल के बेटे भगवान दास थे तो भगवान दास की बेटी मानबाई का विवाह जो है वो अकबर ने अपने बेटे जहांगीर के साथ किया था, ठीक है? तो इस तरीके से क्रम जो है वो आप याद रखिएगा। उसके बाद है भगवान दास, भारमल के बेटे हैं भगवान दास। 1573 ईस्वी में आमेर की गद्दी पर बैठे।
इसने सरनल के युद्ध में अपनी वीरता का परिचय दिया। यह 7 वर्ष तक पंजाब का सूबेदार रहा। इसने 1585 में अपनी पुत्री मानबाई का विवाह जहांगीर से किया, तो मैंने आपको अभी बता दिया। खुसरो मानबाई व जहांगीर का पुत्र था। खुसरो किसका बेटा था? मानबाई और जहांगीर का। 1589 में लाहौर में भगवान दास की मृत्यु हो गई थी। तो इम्पोर्टेंट लाइन जो हमने पहले ही कर ली है कि भगवान दास ने अपनी बेटी मानबाई का विवाह जो है वह जहांगीर से किया था, और खुसरो मानवाई और जहांगीर का बेटा था। तो ऐसे ही छोटे से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ध्यान देना है बड़ी से बड़ी लाइन और छोटी से छोटी लाइन पर भी। नेक्स्ट है मानसिंह। तो ये भगवान दास के बेटे हैं और भारमल के पोत्र हैं। मानसिंह केवल 12 वर्ष की आयु में ही मुगलों की सेवा में चला गया। उसने अकबर और जहांगीर दो मुगल सम्राटों की सेवा की। तो मानसिंह ने अकबर और जहांगीर दो मुगल सम्राटों की सेवा की, ये आपको याद रखना है। अकबर के रणथंभौर अभियान में 1569 सुरजनहाड़ा को मुगल अधीनता स्वीकार कराने में मानसिंह ने भूमिका निभाई। गुजरात अभियान के दौरान 1573 में मानसिंह महाराणा प्रताप के पास संधि का दूसरा प्रस्ताव लेकर गया था। तो हमने जब देखा था महाराणा प्रताप के बारे में, तो जो अभियान भेजा था अकबर ने, तो वहां हमने देखा था कि चार जो एक शिष्टमंडल भेजा था, जिसमें हमने याद किया था जमा भटो, तो जा से जलाल खां और मां से मानसिंह। तो मानसिंह जो थे उनको भेजा था उन्होंने दूसरा प्रस्ताव लेकर, ठीक है? अब आपको याद आया होगा। तो वो गुजरात अभियान के दौरान 1573 ईस्वी में मानसिंह महाराणा प्रताप के पास संधि का दूसरा प्रस्ताव लेकर गया था, ठीक है? तो क्रम से आपको वो भी चीज याद रहेगी, जमा भटो, जा से जलाल खां, मां से दूसरे नंबर पर मानसिंह, भा से भगवान दास, और उसके बाद टा से टोडरमल। 1576 ईस्वी में हल्दीघाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किया किसने? मानसिंह ने। यह अकबर के नवरत्नों में सम्मिलित था। अकबर ने इसे फर्जंद बेटा की उपाधि व 7,000 मनसब दिया। 1589 में जब यह बिहार का सूबेदार था तो इसके पिता भगवान दास की मृत्यु हो गई थी। यह 1589 में आमेर का शासक बना, ठीक है? अब यहाँ पर याद क्या करना है कि अकबर ने फर्जंद की उपाधि किसे दी? राजा मानसिंह को दी। 7,000 मनसब भी दिया। 1592 में उड़ीसा जीतकर पहली बार उसे मुगल साम्राज्य का अंग बनाया। मानसिंह की मृत्यु 1614 में इलिचपुर में हुई। मानसिंह विद्वानों का आश्रयदाता था। उसके समय में मान चरित्र महाराज कोश नामक ग्रंथ रचे गए। इसी समय मुरारी दान ने मान प्रकाश व जगन्नाथ ने मानसिंह कीर्ति मुक्तावली की रचना की। मानसिंह के समय ही रानी कंकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण कराया। तो मानसिंह के समय ही रानी कंकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है कि जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण जो है वह किसने कराया? रानी कंकावती ने। किसके लिए कराया? अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में कराया। और मान सिंह के समय मान चरित्र महाराज कोश नामक ग्रंथ जो है वो रचे गए। तो ये आपको याद रह जाएगा, मानसिंह के नाम से ही है, मान चरित्र महाराज कोश नामक ग्रंथ। मिर्जा राजा जयसिंह। मानसिंह के बाद है मिर्जा राजा जयसिंह। 11 वर्ष की आयु में 1621 ईस्वी में जयसिंह आमेर का शासक बना। इसे 3 मुगल सम्राटों जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहने का अवसर मिला। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि मानसिंह को कितने राजाओं की सेवा करने का, कितने जो मुगल शासक थे उनकी सेवा करने का अवसर मिला। तो आपको याद रखना है अकबर और जहांगीर, ठीक है? उसके बाद जो जयसिंह थे, राजा जयसिंह, इनको जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, इनकी सेवा करने का अवसर मिला।
1623 ईस्वी में इसे मलिक अंबर के विरुद्ध दक्षिण में भेजा गया, जहां इसने अद्भुत साहस और वीरता का परिचय दिया। 1629 में इसने उत्तर पश्चिमी सीमांत में उज्बेगों के विद्रोह को दबाया। 1630 ईस्वी में जयसिंह ने खान ए जहां लोधी के विद्रोह को दबाया। यह 1636 ईस्वी में शाहजहां के साथ बीजापुर और गोलकुंडा अभियान पर दक्षिण भारत गया। अगला देखिए, 1637 ईस्वी में जयसिंह को मिर्जा राजा की पदवी देकर सुजा के साथ कांधार भेजा गया। उत्तराधिकार युद्ध के समय इसे सुजा के विरुद्ध भेजा गया, जहां बहादुरपुर के युद्ध में इसने सुजा को पराजित किया। तो मिर्जा राजा जयसिंह और सुजा के बीच युद्ध होता है 1658 ईस्वी में, और इसे कहा जाता है बहादुरपुर का युद्ध। किस किस के बीच में हुआ है? मिर्जा राजा जयसिंह और सुजा के बीच में। उत्तराधिकार युद्ध के अंत में इसने औरंगजेब का पक्ष लिया। जयसिंह की सैनिक सहायता और कूटनीति से प्रभावित होकर औरंगजेब ने इसे दक्षिण में मराठों के विरुद्ध भेजा। दक्षिण में जयसिंह ने अपनी कूटनीति से शिवाजी को अकेला कर दिया और पुरंदर को जीतने में सफल रहा। जयसिंह ने शिवाजी के विरुद्ध अभियान पर जाते समय कहा था कि हम शिवा को व्रत के केंद्र की तरह घेर लेंगे। तो राजा जो मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी, इनके बीच में जो पुरंदर की संधि होती है, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और देखिए अभी आगे आएगा, शिवाजी के विरुद्ध अभियान पर जाते समय कहा था कि हम शिवा को व्रत के केंद्र की तरह घेर लेंगे। जयसिंह की कुशलता का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि महान मराठा शासक शिवाजी को वह रोकने में सफल रहा, जिसने अफजल खां जैसे सेना नायक को भी पराजित किया था। अंत में शिवाजी और जयसिंह के मध्य संधि हुई, जो पुरंदर की संधि के नाम से जानी जाती है। तो याद रखना है कि पुरंदर की जो संधि है वो होती है शिवाजी और जयसिंह के मध्य, ठीक है? इसे पुरंदर की संधि के नाम से जाना जाता है। पुरंदर की संधि जयसिंह की दूरदर्शिता एवं शक्ति की पराकाष्ठा थी। वह अनेक भाषाओं का ज्ञाता, विद्वानों का सम्मान करने वाला था। प्रसिद्ध कवि बिहारी का वह आश्रयदाता था। बिहारी ने बिहारी सत्सई नामक ग्रंथ की रचना की। तो जो मिर्जा राजा जयसिंह थे, वो कवि बिहारी के वह आश्रयदाता भी थे, और बिहारी ने बिहारी सत्सई नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो ये सब कुछ जो है वो हम लोग पहले भी कर चुके हैं, जब हमने आरबीएससी की बुक जो है की थी, ठीक है? वहां पर जब हमने मुगलों के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ जो इम्पोर्टेंट लाइन है, केवल आप उनको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, देखिए, मिर्जा राजा जयसिंह अलग हैं, उसके बाद के शासक हैं सवाई जयसिंह, ठीक है? पहले मिर्जा राजा जयसिंह है, उसके बाद है सवाई जयसिंह। तो मिर्जा राजा जयसिंह जिन्होंने जहांगीर शाहजहां और अकबर जहांगीर शाहजहां और औरंगजेब इन तीनों के शासन काल में रहे। 3 दिसंबर 1688 को जन्मे जयसिंह में जयसिंह प्रथम की तुलना में वीरता और वाक्पटुता को अधिक मात्रा में पाकर औरंगजेब ने इसका नाम सवाई जयसिंह रखा। अब आपको याद आया कि मिर्जा राजा जयसिंह नहीं बल्कि सवाई जयसिंह, इनका ये जयसिंह थे, इनका नाम सवाई जयसिंह जो है वो किसने रखा? औरंगजेब ने। याद रखना है आपको, औरंगजेब ने जयसिंह का नाम सवाई जयसिंह रखा, क्योंकि वह जयसिंह प्रथम से बढ़कर था। इसी समय से जयपुर के सभी राजा अपने नाम के पहले सवाई पद का प्रयोग करने लगे, ठीक है? 1700 ईस्वी में जयसिंह ने आमेर का राज्यभार संभाला। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी युद्ध में जयसिंह ने आजम का पक्ष लिया। अब देखिए, इम्पोर्टेंट युद्ध आएगा, मगर जाजू के युद्ध में मुअज्जम विजयी रहा। अतः मुअज्जम, जो बहादुर शाह के नाम से शासक था, इसने आमेर पहुंचकर विजय सिंह को शासक घोषित कर दिया और आमेर का नाम मोमिनाबाद रख दिया। तो 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो उत्तराधिकारी के लिए युद्ध होते हैं। तो यह युद्ध जो है वो किसके बीच में होता है? युद्ध होता है मुअज्जम और आजम के बीच में। तो विजयी कौन होता है? विजयी होता है मुअज्जम, ठीक है? तो मुअज्जम होता है विजयी, लेकिन सवाई जयसिंह ने साथ किसका दिया था?
आजम का साथ दिया था। और विजयी कौन होता है? मुअज्जम विजयी होता है, मुअज्जम जो कि बाद में बहादुर शाह के नाम से शासक बना था। और इसने क्या किया फिर, इसने आमेर पहुंचकर विजय सिंह को शासक घोषित कर दिया और आमेर का नाम बदलकर रख दिया था मोमिनाबाद। अब यहां से प्रश्न ये उठता है कि आमेर का नाम मोमिनाबाद जो है वो किसने रखा? आजम ने रखा, मुअज्जम ने रखा, सवाई जयसिंह ने रखा या औरंगजेब ने रखा? तो आपका आंसर होगा मुअज्जम ने। क्यों रखा? जब वह जाजू के युद्ध में विजयी हो गया था तो उसने आमेर का नाम बदलकर मोमिनाबाद रखा। मेवाड़ की सहायता से जयसिंह ने आमेर पुनः प्राप्त कर लिया। मुगल सम्राट ने भी इसे आमेर का शासक स्वीकार कर लिया। फर्रुखसियर ने 1713 ईस्वी में जयसिंह को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। जयसिंह के प्रयासों से 17 जुलाई 1734 ईस्वी में राजपूत राजाओं का हुरुणा सम्मेलन बुलाया गया। कब? 1734 ईस्वी में। डेट याद रखनी है बहुत अच्छे से। राजपूत राजाओं का होर्डा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 ईस्वी में बुलाया गया। किसने बुलाया? जयसिंह ने। कौन सा जयसिंह है ये? ये सवाई जयसिंह है। और आपको इस तरीके से याद रह जाएंगे ये सवाई जयसिंह या मिर्जा राजा जयसिंह के बीच। मिर्जा राजा जयसिंह जब शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि होती है, शिवाजी के विरुद्ध युद्ध होता है, तब उस समय हम बात कर रहे होते हैं मिर्जा राजा जयसिंह की। और जब औरंगजेब की मृत्यु के बाद की बात होती है तब वहां पर बात होती है सवाई जयसिंह की। तो जयसिंह के प्रयासों से 17 जुलाई 1734 को राजपूत राजाओं का होरणा में सम्मेलन बुलाया गया ताकि संगठित होकर मराठों का मुकाबला किया जा सके, किंतु आपसी अविश्वास से यह योजना कार्य रूप न ले सकी। सवाई जयसिंह ने 1729 में बूंदी के मामले में हस्तक्षेप किया, जिसने मराठों को राजस्थान की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करने का अवसर मिला। जयसिंह ने मराठों और मुगल सम्राट में समझौता कराने के लिए मध्यस्थता की। 1743 में जयसिंह की मृत्यु हो गई। इसने 7 मुगल शासकों का काल देखा। ठीक है, तो मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में हमने देखा था कि 3 मुगल शासकों का काल देखा उसने। किसका? जहांगीर का, शाहजहां का, औरंगजेब का। सवाई जयसिंह ने 7 मुगल शासकों का काल देखा, क्योंकि उत्तराधिकारी का जब युद्ध हो रहा था, उत्तराधिकारी का औरंगजेब की मृत्यु के बाद, तो उनके जो बेटे थे उनके आपस में लड़ाई होती गई उत्तराधिकार के लिए। ठीक है, तो 7 मुगल शासक जो उस वक्त दिखाई देते हैं। 1725 में सवाई जयसिंह ने नक्षत्रों की शुद्ध सारणी बनवाई और इसका नाम जीज मोहम्मद शाही रखा। उसने जयसिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। जयसिंह ने जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और बनारस में वैधशालाएं बनवाई। तो इसमें जयपुर की वैधशाला जो है वो सबसे बड़ी है, जिसे कहते हैं जंतर मंतर। तो ये जो पूरा ही पैराग्राफ जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो आपको इसको अंडरलाइन करना है। नक्षत्रों की शुद्ध सारणी जीज मोहम्मद शाही नाम उन्होंने रखा। जयसिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना सवाई जयसिंह ने की। इन्होंने वैधशालाएं बनवाई 5। ठीक है, कहाँ कहाँ बनवाई? जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, बनारस में, जिसमें जयपुर की वैधशाला सबसे बड़ी है और इसको बोलते हैं जंतर मंतर। जुलाई 2010 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में जंतर मंतर को शामिल किया गया। जयसिंह ने एक बंगाली वास्तुशास्त्री विद्याधर से एक नगर का नक्शा बनवाकर 1727 ईस्वी में आयताकार खंडों वाले एक नगर का निर्माण करवाया, जो आज जयपुर के नाम से प्रसिद्ध है। तो जिसे हम आज देखते हैं जयपुर शहर, तो ये इसका जो नक्शा है वो किसने बनवाया? नक्शा बनवाया वास्तुशास्त्री विद्याधर से। किसने बनवाया? जयसिंह ने बनवाया। मिर्जा राजा जयसिंह ने बनवाया या सवाई जयसिंह ने बनवाया? याद रखना है सवाई जयसिंह। वह अंतिम हिंदू नरेश था जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया। ठीक है, तो सबसे प्रथम हिंदू राजपूत जो था वो था राजा भारमल, जिन्होंने सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार की। और अंतिम वाली बात ये याद रखनी है आपको कि अंतिम हिंदू नरेश जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया वो कौन था? सवाई जयसिंह। 1734 में इसने जयपुर में नाहरगढ़ किले का निर्माण करवाया। इसने जयगढ़ में जय बाण तोप का निर्माण करवाया। सवाई जयसिंह ने चंद्रमहल, सुशोदिया रानी का महल, जल महल,
इसका निर्माण करवाया। सवाई जयसिंह पहला राजपूत हिंदू शासक था जिसने सती प्रथा की रोकथाम हेतु प्रयास किया और विधवा विवाह को मान्यता प्रदान करने हेतु नियम बनाए। तो सवाई जयसिंह जो है, इनके बारे में आपको बहुत सारे फैक्ट मिलते हैं, तो इनको आपको बहुत अच्छे से ही याद रखना है, ठीक है। जयपुर में नाहरगढ़ किले का निर्माण 1734 में सवाई जयसिंह ने करवाया। जयगढ़ में जयबाण तोप का निर्माण इन्होंने करवाया। चंद्र महल, सिसोदिया रानी का महल, जल महल, इनका निर्माण करवाया। तो बहुत सारी चीजों का निर्माण जो है वह सवाई जयसिंह ने करवाया। तो इस चीज को आपको बहुत याद अच्छे से ही रखना है। तो एक बार इसका दोबारा से देख लीजिए, सवाई जयसिंह का, कि सवाई जयसिंह इनका नाम जो है रखने वाले औरंगजेब थे। 1707 में जब जाजू का युद्ध हुआ था औरंगजेब के पुत्रों के बीच में, मुअज्जम और आजम के बीच में, तो इसमें साथ दिया था सवाई जयसिंह ने आजम का, लेकिन युद्ध में विजयी हुआ था मुअज्जम। मुअज्जम तो इन्होंने अपने नाम से ही मिलता जुलता आमेर का नाम रखा मोमिनाबाद, याद हो गया। 17 जुलाई 1734 को राजपूत राजाओं का होड़ा सम्मेलन जयसिंह ने बुलाया, जिसमें सभी राजपूत शासक जो है वो शामिल हो सके और मराठों का मुकाबला कर सके। सवाई जयसिंह ने ही 7 मुगल शासकों का शासन देखा। 1725 में नक्षत्रों की शुद्ध सारणी बनवाई। जयसिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना सवाई जयसिंह ने की। 5 वैद्यशालाएं बनवाई जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, बनारस में, किसने? सवाई जयसिंह ने। जयपुर की वैद्यशाला सबसे बड़ी है, जिसे यूनेस्को ने 2010 में विश्व धरोहर में शामिल किया था। और जयसिंह नाम से ही है जयपुर, तो जयपुर का जो नक्शा है वो किसने बनवाया? बंगाली वास्तुशास्त्री विद्याधर से सवाई जयसिंह ने बनवाया। और ये अंतिम हिंदू नरेश थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया। और 1734 में इन्होंने जयपुर में नाहरगढ़ किले का निर्माण, जयगढ़ जयबाण तोप का निर्माण कराया जयगढ़ में, और चंद्र महल, सिसोदिया रानी का महल और जल महल का निर्माण करवाया, ठीक है। तो मैंने आपको दोबारा से रिवाइज करवा दिया है। तो इस तरीके से आज हमने आमेर के शासक जो हैं वो बहुत अच्छे से देखे हैं, तो आपको वीडियो में ही याद भी हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।